बड़ो औरत बन गई थी उस टाइम पे मैंने क्या क्या जो बेडशीट्स वगैरह बिछी हुई थी मैंने वो भी निकाल ली वोली जो है वो काला बादल आया हुआ है और असलम दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहर आफेद के साथ होंगे आप लोग भी सोच रहे होंगे बहुत अजीब तरीके से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है वो इसलिए कि गायस आज मैं सुबह साढ़े छः बजे उठी मैंने मशीन लगाई कि जल्दी से कपड़े वॉश हो जाएंगे बट इतना कोई मौसम ख़राब हो गया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये देखिए कुछ कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं कुछ यहाँ पड़े हुए हैं वग़ैरह वॉश करके मैंने एयर कूलर पर फैला दी और कोई जगह नहीं थे फुल जो है वो काला बादल आया हुआ है और कुछ कपड़े मैंने ऐसे लटकाए हुए हैं तो मैंने सोचा आज जल्दी मशीन जो है वो फारी हो जाएगी काम हो जाएगा लेकिन पहले जो है वो पौने आठ लाइट चली गई फिर एक घंटे बाद लाइट आई उसके बाद मशीन का तार खराब हो गया फिर वो तार लगने में पौने नौ लाइट आ तो साढ़े नौ हो गए तार ठीक होते होते फिर एक एक चक्कर चला ही है सही है उसके बाद फिर मैं इतनी कोई सुगड़ औरत बन गई थी उस टाइम पर मैंने क्या किया जो बेड वगैरह बिछी हुई थी मैंने वो भी निकाल ली वो भी सारी की सारी वॉश की गाइस मुझे ये वाला काम जो नहीं फैलाना था वो टवल वाला नहीं फैलाना था बेड वगैरह नहीं डालनी थी तो तो जी कपड़े धुल चुके थे पानी पीने का चुड़ चुका था तो इस तरह से ये सूख जाते मतलब नीचे या कहीं पे भी अब लाइट भी चले गई है तो गाइस अभी हो रहे हैं दोपहर तो के साढ़े ग्यारह और मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है तो जी दोस्तों ये है टाइम सुबह सुबह का जब मैंने मशीन लगाई थी एक बार जो है वो कपड़े धुलते जा रहे हैं साथ साथ फैलाती जा रही थी और जो सूखते जा रही थी उन्हें तहवी बनाती जा रही थी गलती मुझसे यही ये हुई कि मैंने कहा चलो आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ क्यों ना एक बार और मशीन का पानी बदल के और जो बेड वग़ैरह है वो धो देते हैं तो पहले जी मैं सादा पानी जो है वो उससे बेड वगैरह को वॉश करके फिर मशीन में डालती हूँ ताकि जो है अच्छे से वो नीटली वॉश हो सके तो जी गाय सबसे बड़ी गलती मुझसे यही हुई थी बस जितना काम हो गया था उतना ही मैंने बंद कर देना था मैंने दोबारा से पानी नहीं बनाना था और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं बारिश है दोबारा वक्फे वक्फे से होती जा रही थी फिर मुझे लगी भूख मैंने जैसे तैसे काम को ख़त्म किया और शावर वगैरह लिया उसके बाद मैंने और टाइमी ने नाश्ता किया है और फिर कुछ टाइम मैंने रेस्ट किया लेकिन मेरी नज़र जो थी वो सहन में थी थोड़े कपड़े मैंने सहन में डाले थे जब बारिश रुक रही थी फिर दोबारा से उठाने जा रही थी और यहाँ पे फिर गाइस दो या ढाई बजे का टाइम है शायद तीन बजे का और बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गई थी उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया फिर बस गायज यह है रात का टाइम और अभी चीमियाँ बनाने लगी थी बनाना है स्मूथी और बस ये बनाएंगे और आप लोग बताएं आप लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि या तो जिस दिन आप मतलब कपड़े वगैरह वॉश करना चाहो तो उस दिन या तो लाइट चली जाती है या बारिश हो जाती है या कोई ना कोई आ जाता है मतलब वो काम इतना डिले हो जाता है ना कपड़े धोने वाला जितना आप इज़ी समझते हो उतना ही वो काम टफ हो जाता है तो खैर आज मैं इतना ज़्यादा थक गई थी इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं किया और ना ही कोई ज़्यादा मैंने काम किया तो बस ये आए इस यहाँ पर अभी ये किचन वाला काम जो है अपना सारा डन कर लूँगी और आप लोगों को मेरे ये छोटा सा ब्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो गाइस मस्ट लाइक कर दें चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें कि आप किस तरह की वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो जो है वो मैंने शेयर की है कि किस तरह से आप घर में रखे हुए पीसीज से बच्चों के फ्रॉक जो है वो स्टिच कर सकते हैं मैंने स्टिचिंग आइडियाज़ जो है वो शेयर किए हैं अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके आप लोग वो भी वॉच कर लें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आइडियाज़ मिलेंगे उस वाली वीडियो से तो जी दोस्तों यहाँ पे जी मैंने कर लिया है अपना सारा काम डन यहीं तक था मेरा ये छोटा सा व्लॉग उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो मस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जी बस खुश रहें खुशियाँ बाँटें अच्छा सोचें अच्छा बोले मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़